नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तकरीबन एक साल पहले जब कोरोना पिछले साल फैला था, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि किडनी पेशेंट्स को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा क्यों है, ज्यादा हमें सावधान क्यों रहना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी ज्यादा बात पता चलेगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से आप समझ पाओगे। देखिए दोस्तों, मेन बात ये होती है कि किडनी पेशेंट जो होता है उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी डाउन होती है लोगों के मुकाबले में। लोगों के कंपेरिजन में हम किडनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा चांस है कोरोना वायरस होने का। और अगर कोरोना वायरस हो गया तो जल्दी से हम रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहली बात तो हम सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमें कोरोना वायरस से कोशों दूर रहना है, बहुत दूर रहना है, कोई चांस नहीं लेना, बिना काम से बाहर नहीं निकलना है, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है, और अगर बाहर निकलते भी हो, किसी से मिलना होता भी है, तो 2 मीटर की दूरी से बातचीत करें और घर पे आके तुरंत नहा लीजिए। मैं तो हाथ धोने की भी सलाह नहीं देता हूं, नहा लीजिए, अच्छे से साबुन से नहा लीजिए और लगातार बार बार आपकी सारी चीजों को सैनिटाइज करते रहिए। ये सारी बातों का आप ध्यान रखोगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए नहीं बना रहा, हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है वो बताने के लिए बता रहा। अगर आप सावधानी रखते हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखते हो, कहीं पे भी बाहर घूमने चले जाते हो, मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, ये सारी चीजें आप ध्यान नहीं रखते, तो आपको डरना ही चाहिए, क्योंकि आप कोरोना वायरस से बहुत नजदीक हो। आपको कभी भी कोरोना वायरस लग सकता है, कभी भी आपका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ सकता है, तो इसलिए जो सावधानी रखता है उसको डरने की जरूरत नहीं। अब दूसरी बात, क्यों हमारा इम्यूनिटी पावर कम क्यों होता है? क्योंकि जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है तब उसके अंदर ब्लड अपने आप नहीं बनता है, तो इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगी, सीधी सी बात है। और दूसरी बात कि अगर ट्रांसप्लांट हो चुका है तो ट्रांसप्लांट के बाद किडनी पेशेंट को कुछ इस तरह की दवाई दी जाती है जिसमें उसका इम्यूनिटी पावर कम हो, अगर ज्यादा हो जाता है तो नई वाली किडनी भी फेल हो जाती है। इसके लिए दवाई भी ऐसी ही होती है जिसमें इम्यूनिटी पावर उसका थोड़ा सा कम हो, दबा हुआ सा हो, तो भी कोरोना वायरस का खतरा हम सबके लिए ज्यादा है। अगर दोस्तों किसी को कोरोना वायरस हो जाता है, किडनी पेशेंट को, तो ये हम सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हम कोरोना से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है और उसको कोरोना हो गया तो वो ज्यादा पानी भी नहीं पी सकता, इसलिए कोरोना से लड़ने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। पिछले 10 दिन पहले की ही बात है, हमारे ही एक व्यूअर है, रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। वो दिल्ली से है और दिल्ली में कोरोना बहुत फैला हुआ है, हम सबको पता है। वहां पर से उनका कॉल आया था, मुझे बातचीत हुई थी, उन्होंने ये बताया कि उनके पापा डायलिसिस पे है और उनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है, तो क्या करें। अब सीधी सी बात है दोस्तों, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, कोरोना के बारे में ज्यादा नहीं जानता, और वहां पे हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं थी, एडमिट नहीं किया जा रहा था उन्हें, तो मैं कोई ज्यादा सजेशन उनको नहीं दे पाया। मैं बस इतना ही बता पाया कि घर पे ले जाइए, कोई बात नहीं, और ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान रखिए और अच्छा खाना दीजिए, दवाई दीजिए टाइम पे, वही सब बता पाया, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसी रात को उनका फिर से एक मैसेज आया कि जैसे ही उनके पापा को घर पे ले जाया गया और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों मुझे भी अंदर से बहुत दुख हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम सब लाचार है, करें क्या। तो इससे बहुत गुना ज्यादा अच्छा यह है कि हम बाहर निकले ही नहीं, कोरोना के आमना सामना हमारा हो ही नहीं, तो ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों खास करके मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमें कमेंट्स मिल रही थी कि किडनी पेशेंट्स को कोरोना की वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी। काफी दिनों से ये कमेंट्स आ रही थी, लेकिन वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, कुछ डॉक्टर से मैंने बातचीत की, कुछ लोगों के मैंने एक्सपीरियंस जाने और उसके बाद ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों की इम्यूनिटी पावर कम है और अगर उसमें भी वैक्सीन ली जाए और उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको भी पता होगा कि एकदम हेल्दी इंसान जब वैक्सीन लेता है तो उसमें से बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है, 1-2 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों हम तो किडनी पेशेंट है,
अगर हमें कुछ हो गया तो उससे लड़ने में हमें बहुत दिक्कत होगी, हम जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात की कुछ वीडियोस में मैंने ये देखा है, इंटरनेट पे भी मैंने ये पढ़ा है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, यानी कि जिस पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ है और अगर ट्रांसप्लांट को एक साल नहीं हुआ है तो उनको तो वैक्सीन नहीं लेनी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। यानी कि आपका ऑपरेशन हुआ है लेकिन ऑपरेशन को एक साल नहीं हुआ तो आपको ज्यादा दवाई दी जा रही है आपके इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए, और अगर वैक्सीन आपने ले ली तो आपकी इम्यूनिटी फिर से बढ़ जाएगी और किडनी पे खतरा खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपके ऑपरेशन को अगर एक साल नहीं हुआ तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी। दूसरे लोगों की बात करूं मैं तो पेशेंट डायलिसिस पे है या फिर ट्रांसप्लांट हो चुका है और एक साल से ज्यादा हो चुका है, उन लोगों को वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी, उसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म न्यूज कोई भी चैनल पे, कोई भी इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट पे नहीं मिली है और ना ही अभी तक डॉक्टर्स ने यह कंफर्म किया है। तो दोस्तों, हर पेशेंट जो होता है उनकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है, और सबके रिपोर्ट्स अलग अलग होते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही सलाह देना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी डिसीजन ले वैक्सीन को लेके अपने डॉक्टर्स को पूछ के ले, किसी और की राय ना ले। आपके जो डॉक्टर्स होते हैं, आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उनसे बात कीजिए कि मुझे वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी। वो आपके रिपोर्ट्स देखेंगे, आपकी बॉडी में क्या कम है क्या ज्यादा है वो सारी चीजें देखेंगे और आपको सलाह देंगे कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि वैक्सीन लेने से पहले किसी और की नहीं लेकिन आपके डॉक्टर्स की ही सलाह ले। थोड़े टाइम पहले ही एक इंसान जो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखता है, उन्होंने कमेंट किया था, ये देखिए स्क्रीन पे उन्होंने लिखा हुआ है कमेंट में कि उनके पापा जो डायलिसिस पे है उन्होंने वैक्सीन ली, तब से उनकी तबीयत थोड़ी और खराब हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि हर किसी की बॉडी अलग अलग है, हर किसी की सहने की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी की इम्यूनिटी पावर भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें वो सब सोच के डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीन के बारे में जो कुछ भी डिसीजन लेते हो अपने डॉक्टर्स को पूछ के ही लीजिए, किसी और की सलाह ना लीजिए। और अगर आप किडनी पेशेंट हो या फिर डायलिसिस पे हो या ट्रांसप्लांट आपका हो चुका है और अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फील हो रहा था आपको, आपकी तबीयत कैसी थी, वो सब कुछ आप प्लीज कमेंट में लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानने की इच्छा है, बहुत सारे लोगों को ये जानने की जरूरत है। तो अगर आपने वैक्सीन ली है तो प्लीज आपका एक्सपीरियंस भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके। तो दोस्तों, बस इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। सबसे पहली बात कि आपको कोरोना से बहुत दूर रहना है, बाहर ही नहीं निकलना, अपनी जितनी हो सके उतनी केयर करनी है, ठीक है दोस्तों। और अगर कोरोना हो चुका तो उससे लड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें अपने डॉक्टर्स को पूछ के ही डिसाइड कीजिए, और वैक्सीन के बारे में भी आपके डॉक्टर्स की ही सलाह लीजिए। और कुछ भी आपको जानना है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।